खबर बहुत बड़ी है और उद्योग जगत में बहुत बड़ा बवाल हो गया है दोस्तों। देश में स्टील के सबसे बड़े कारोबारी सज्जन जिंदल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी बताए जाते हैं, उन पर एक 30 साल की एक्ट्रेस ने बलात्कार का आरोप लगाया है। वो 30 साल की एक्ट्रेस दर दर भटकती रही, मगर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। आखिरकार मुंबई की एक अदालत के फरमान के बाद उन्हें FIR दर्ज करना पड़ा है, और वो भी बलात्कार को लेकर। सज्जन जिंदल कौन है दोस्तों? याद कीजिए, प्रधानमंत्री जब अचानक पाकिस्तान चले गए थे, सज्जन जिंदल वो शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पाकिस्तान में जाने की रूपरेखा तैयार की थी, जमीन तैयार की थी। सज्जन जिंदल वो शख्स हैं जिनके स्टील के कारोबार के सामने देश में कोई नहीं टिकता। सज्जन जिंदल वो शख्स है, याद कीजिएगा, जब नारायण मूर्ति ने कहा था कि हर भारतीय को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, तब ये सज्जन जिंदल थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था और ये कहा था कि अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं। सज्जन जिंदल वो शख्स हैं जिन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल के बाद अब देश की काया पलट कर दी है। बड़ा सवाल ये, क्या मुंबई पुलिस इतने दिनों तक जो FIR दर्ज नहीं कर रही थी, और अगर उसने दर्ज भी किया तो मुंबई की एक अदालत के आदेश के बाद, क्या इसीलिए सब हो रहा था? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाऊंगा कि सज्जन जिंदल ने किस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़े थे, सुनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें हम एक युग पुरुष मानते हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे कर्मठ प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने हमारे महान देश की काया पलट कर दी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था, तब भारत की जो GDP थी वो मात्र $2 trillion की थी, जिसे प्राप्त करने में हमारे देश को 65-67 वर्ष लगे थे। आज केवल 10 साल से भी कम कार्यकाल संभालने के बाद भारत की GDP 4 trillion से भी ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रही है, और हम बहुत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही ये मामला सामने आता है, पहले तो ये मामला सामने नहीं आया, 13 दिसंबर को ये FIR दर्ज हुई, मगर मुंबई के किसी पत्रकार, देश के किसी पत्रकार में हिम्मत नहीं हुई इस मुद्दे पर खबर करने की। मगर फिर जब सोशल मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी, तब जाकर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, और फिर मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 ने भी इस पर खबरें करनी शुरू की। वैसे तो आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में प्राइम टाइम में किस तरह का जहर चलता है, मगर यहां मामला कुछ और है, क्योंकि यह उद्योग जगत से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। यहां पर सीधे मामला आ जाता है कॉम्पिटिशन का, प्रतिस्पर्धा का। देखिए दोस्तों, न्यूज 18 के मराठी चैनल ने किस तरह से खबरें की है, बात वहां नहीं रुकती। अंग्रेजी चैनल वुमन अक्यूज सज्जन जिंदल ऑफ रेप, उसी तरह से न्यूज 18 का हिंदी चैनल आपके स्क्रीन पर, कारोबारी सज्जन जिंदल पर FIR दर्ज, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सज्जन जिंदल पर FIR दर्ज। सज्जन जिंदल ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, और उन्होंने यह भी कहा है कि मैं जांच में अपना सहयोग दूंगा, और चूंकि आरोप गंभीर है लिहाजा इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। हम इस मंच पर यह नहीं कह रहे कि सज्जन जिंदल गुनहगार हैं, मगर सज्जन जिंदल एक रसूखदार व्यक्ति हैं, एक ताकतवर व्यक्ति हैं। आप सब जानते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कितने कसीदे पढ़े थे। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि जब इस मामले की जांच की जाएगी तो उन पहलुओं से अलग हटकर मुंबई पुलिस निष्पक्षता से जांच होगी। FIR में इस 30 साल की एक्ट्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, बहुत डिटेल्ड में आरोप लगाए हैं। यह तक कहा है कि किस तारीख को यह बलात्कार हुआ था, यह भी कहा है कि शादी का वादा किया गया था, मगर सज्जन जिंदल उससे मुकर गए।
सज्जन जिंदल की उम्र है 64 साल, 64 years, और इस एक्ट्रेस की उम्र 30 साल बताई जा रही है। चूंकि मामला दुष्कर्म का है, लिहाजा हम उनकी जो पहचान है उसे गुप्त रख रहे हैं। मगर एफआईआर में क्या कहा गया है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। एफआईआर में महिला ने दावा किया है कि वो सज्जन जिंदल से 2021 में आईपीएल के दौरान दुबई में मिली। महिला का दावा है कि जिंदल ने उनसे शादी का वादा किया था। एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया है कि जिंदल ने 23 से 24 जनवरी 2022 को उनके साथ रेप किया था। मुंबई निवासी महिला ने दावा किया है कि कथित यौन उत्पीड़न इस साल 23 जनवरी को जेएसडब्ल्यू समूह के मुख्यालय के अंदर हुआ। उसने कहा कि उद्योगपति ने उससे शादी करने का वादा किया था। उसने 16 फरवरी को पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद अदालत ने आदेश जारी किया 13 दिसंबर को मुंबई के बीकेसी पुलिस थाने में धारा 376 बलात्कार, धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और 506 आपराधिक धमकी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार शाम को फिर सज्जन जिंदल की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आरोप झूठे हैं और निराधार हैं। उद्योगपति द्वारा निजी स्तर पर जारी बयान में कहा गया है ये जांच में पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चूंकि जांच जारी है हम इस स्तर पर आगे टिप्पणी करने से बचेंगे। हम आपसे परिवार की गोपनीयता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको एक और जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान गए थे तो उसकी जमीन तैयार करने में सज्जन जिंदल का एक बहुत अहम काम था। यह जानकारी आपके स्क्रीन पर। सज्जन जिंदल ही मोदी को पाकिस्तान लेकर गए थे। नवाज शरीफ के दामाद और बेटा जिंदल परिवार के बिजनेस पार्टनर्स बताए जाते। अफगानिस्तान में आयरन ओर माइंस भी इनके पास हैं, यानी कि एक निहायत ही प्रभावशाली उद्योगपति। हम एक बात स्पष्ट कर दें दोस्तों कि इस महिला ने अपने आरोपों में बहुत डिटेल्ड बातें की हैं, बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सज्जन जिंदल को यहां गुनहगार साबित नहीं कर रहा हूं और मैं इस बात को भी समझता हूं कि अगर यही आरोप किसी आम इंसान के खिलाफ लगाए गए होते तो उस वक्त पलड़ा पूरी तरह से महिला के पक्ष में होता और वो आम इंसान मुश्किल में होता। अब चूंकि यह मामला स्टील के बड़े कारोबारी सज्जन जिंदल का है, लिहाजा पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रखेगी। मीडिया का रवैया आप देख रहे हैं, मीडिया में जितनी भी खबरें आई हैं उसमें तरजीह इस बात को लेकर दी गई है कि सज्जन जिंदल ने आरोपों को निराधार बताया है। हां, न्यूज 18 बहुत शिद्दत से खबर कर रहा है, न्यूज 18 जो कि मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल है, और मामला यहां बिजनेस प्रतिस्पर्धा का भी है, यानी कि इस खबर के पीछे एक किस्म की कॉरपोरेट लड़ाई भी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट स्कैंडल भी बन गया है। सज्जन जिंदल की अपनी हालत अपने उद्योग समूह के अंदर बहुत पतली हो जाती है। आपने एक बात पर गौर किया होगा, जो बयान जारी किया गया है वो इनके औद्योगिक समूह ने बयान जारी नहीं किया है, ये इन्होंने निजी बयान जारी किया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस लड़ाई में पैसा बेशक उनके औद्योगिक समूह का होगा मगर बयान उनका औद्योगिक समूह नहीं जारी कर रहा है, क्योंकि इस औद्योगिक समूह के अंदर उनके अपने शेयर होल्डर्स हैं और बोर्ड की मीटिंग में सज्जन जिंदल को यह बयां करना होगा कि यह हुआ क्यों, मामला क्या है, गुनाह के क्या मायने हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं। लिहाजा उनकी अपनी हालत उनके बोर्ड के अंदर बहुत मुश्किल हो चली है और यह मामला अपने लॉजिकल अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि मीडिया हाउसेस पर किस तरह का दबाव आने वाले दिनों में सामने उभर कर आता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।